मूलचंद, भिक्खू राम पटेल माइक पे आए इंटरव्यू के लिए। बड़े भाई जी सर, श्री मूलचंद राम पटेल जी, जी आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा पूरा परिचय, मूलचंद राम पटेल, ग्राम अमौतपन, पोस्ट जगदीशपुर, जिला वाराणसी। हाँ, मेरे पिताजी का नाम श्री भिक्खू राम पटेल। अच्छा, एक चीज है जी, बताइए। हम देखते हैं जो इस पीढ़ी के पहले के लोग थे, जैसे आपके पिताजी के समय के लोग थे जी, तो लोग नाम रखते थे तो किसी का उपड़ऊ रख देते थे, किसी का खिरकीट रख देते थे, किसी का खिरकीट रख देते थे, किसी का गोबर रख देते थे। ये अच्छी बात नहीं है ना? है नहीं, अच्छी बात नहीं। उस समय शिक्षा का अभाव था। अच्छा, मेन जो कमी थी वो शिक्षा की जी। शिक्षा के कारण इस तरीके से लोग बच्चों का नाम रखते थे। हमारे सुनने में आया है, इस अपने उम्र का अनुभव बता रहा हूँ, कि लोग ये कहते थे अगर कोई बच्चा मंगलवार को पैदा हो गया तो उसको मंगलगुआ रख देते थे जी। मंगलगुआ रख देते थे। बुधवार को पैदा हो गया तो बुधवार रख देते थे। ऐसी बात तो पहले बहुत थी। और लोग कहते थे कनवा छेद देंगे तो मरेगा नहीं बच्चा। क्या ये बात सही है? हाँ, तो छेदिया नाम रखते थे। छेदिया रखते थे, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हाँ, लेकिन इस महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म प्रोडक्शन और स्मिता म्यूजिक कंपनी की तरफ से मैं पूरे समाज से निवेदन करता हूँ, आए मेरे समाज के पढ़े लिखे विद्वान नौजवान जागृत साथियों, नाम खराब रखने से आपके बच्चे का मनोबल टूट जाता है जी। बुधवार रख देंगे तो उसकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। अगर आप उसका उज्जवल नाम रखेंगे तो उसका दिमाग भी उज्जवल रहेगा। और इन्हीं शुभ कामना के साथ हम चाहते हैं कि आप कोई गीत गाते हैं जी। मैं हारमोनियम बजा करके गीत गाऊंगा। और आप कवि भी हैं? हाँ, कवि भी हैं। हमारे बहुत शिष्य हैं अपने उत्तर प्रदेश में, जबलपुर में, जैसे बनारस में, भदोही में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में, गाजीपुर में, तमाम शिष्य और शिष्याएं भी हैं। अच्छा अच्छा, तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस कंपनी में जो है आप जो है गायक के रूप में अपना गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि कवि हैं आप, हारमोनियम भी बजाते हैं आप, गुरु होते हुए भी एक संदेश गीत के माध्यम से देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी गीत आप सुना दीजिए। धन्यवाद। दो मिनट समय दीजिए।